हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर, माय सब श्रवण गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाइए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण होता है, उसके डिफिनीशन, एग्जांपल्स एंड उनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आप लोग अम्ल के बारे में समझ गए ना, तो क्षार के बारे में तुरंत समझ जाओगे, और अगर अम्ल और क्षार दोनों के बारे में समझ गए ना, तो लवण के बारे में आप तुरंत समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में समझेंगे। देखो, अम्ल की बच्चों दो डेफिनेशन है, एक जो है वो सिंपल सा डेफिनेशन है और दूसरा जो है वो वैज्ञानिक डेफिनेशन, जो आरहेनियस के अनुसार, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पूछा जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा डेफिनेशन देखेंगे अम्ल का, जो बहुत ही आसान है और इजी है। देखो, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल याद रखना, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, बिकॉज उसका जो पीएच वैल्यू होता है ना, पीएच वैल्यू वो कितना होता है, 7 से कम होता है, और 7 से कम अगर पीएच वैल्यू होगा तो वो स्वाद में खट्टा ही होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। जो अम्ल होता है वो नीला, जो नीला अगर एक लिटमस पेपर लोगे ना, नीला लिटमस पेपर, और उस पे एसिड डालोगे, तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, रंग परिवर्तन कर देगा। रंग परिवर्तन का मतलब होता है रासायनिक गुण। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ये बोर्ड एग्जाम में जरूर ऑब्जेक्टिव में आता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है। ऑप्शंस आपके पास होते हैं अम्ल, क्षार, लवण या बेकिंग सोडा, तो आप ऑप्शन लगाना अम्ल। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो हमारा अम्ल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा अम्ल कहलाता है। अब अम्ल का हम लोग एक आरहेनियस के अनुसार जो उनका डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल्स यहां समझाऊंगा। ठीक है, कि आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल का डेफिनेशन, जो आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार हम लोग अम्ल का डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो देखो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन, जैसे आपका एक जलीय विलयन होता है ना, जलीय विलयन, जैसे हमारा एक जलीय विलयन है, अब अगर अम्ल को डालोगे ना तो क्या करेगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होना, वियोजित होने का मतलब होता है टूटना। ठीक है, जैसे आपको वियोजन अभिक्रिया पढ़ाया था, तो उसका मतलब टूटना होता है, संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। तो यहां वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का आयन का मतलब होता है H+ आयन, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई पदार्थ है, अगर वो जलीय विलयन में वियोजित होता है अर्थात टूटता है, ठीक है, तो अगर वो H+ आयन देता है, तो वो ध्यान रखना हमारा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, अर्थात एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, अम्ल का आपको यहां डेफिनेशन समझ में आ गया, दोनों डेफिनेशन, फर्स्ट सेकेंड दोनों। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा इसका जो अम्ल है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल जैसे हमारा बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको कुछ ही एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारा HCl है, जो कि बहुत ही हार्ड अम्ल है, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा हम लोग लिखते हैं एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये हमारा है एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या है, एसिटिक अम्ल। तीसरा हम लोग लिखते हैं एक और H2SO4, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल आदि, यानी कि ये तीन एग्जांपल्स हम लोगों ने समझ लिया। पहला क्या है, पहला हमारा है बच्चों HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा CH3COOH, जिसे हमें क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये तीन एग्जांपल्स हैं हमारे जो अम्ल के ये तीन एग्जांपल्स हैं, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना, छोड़ कर नहीं आना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। ठीक है, तो ये हमारा है बच्चों आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल का डेफिनेशन। ते हैं अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने समझा कि अम्ल की परिभाषा, अम्ल का उदाहरण, अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले अम्ल के भौतिक गुण।
ठीक है, अम्ल का भौतिक गुण। इससे पहले मैं आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी लापरवाही कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में इतना पछताओगे कि बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो फिर कहोगे सर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। आज ही मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया गया है। श्रवण लेक्चरर ऐप पहले डाउनलोड करूं? देखो आपसे मैं बहुत ही ज्यादा आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, आज के बाद मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट वार्निंग है। श्रवण लेक्चर ऐप को सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लो, मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। इतनी मिनिमम प्राइस में आपको कोई तैयारी नहीं कराता, आप लोगों के लिए इतनी अच्छा बैच बनाया गया है बच्चों, इतना अच्छा बैच बनाया गया है, टॉपर बैच, देखो टॉपर बैच, आप सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लो, अभी मिनिमम फीस है, बाद में जब बढ़ जाएगा तो आप कहोगे सर आपने फीस बढ़ा दिया, हम गरीब हैं कैसे ज्वाइन करें। देखो अभी इसलिए मैंने कम कर दिया है, ठीक है, तो आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन करो, ठीक है। आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करो, फटाफट से कॉल या व्हाट्सएप कर लो बच्चों, 9918863196, इस नंबर पे आप लोग फटाफट से कॉल या व्हाट्सएप कर लो, मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, कैसे ज्वाइन करना है, सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जा रहा है, इतनी मिनिमम फीस में आपको कोई नहीं तैयारी कराएगा, ठीक है। अभी ऑफर है इसलिए मैं आपकी पूरे साल की फीस है बच्चों, पूरे साल की फीस है इसकी 799, पूरे साल की, ठीक है, पूरे साल की फीस केवल 799 है, पूरे साल आपको, पूरे साल 4 से 5 टीचर पढ़ाएंगे, मैं उनका फीस दूंगा, ठीक है, इतने सारे ऐप में खर्चे लगते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करो इसको, क्योंकि टॉपर बैच आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। अगर आप 799 फीस में पूरे साल की तैयारी कर लोगे, अगर आप एक छोटी सी कोचिंग एक सब्जेक्ट का करने जाओगे, एक सब्जेक्ट का 500 रुपये आपको देना पड़ेगा केवल एक महीने के, मैं 12 महीने आपको पढ़ाऊंगा और 799 फीस है पूरे साल की, तो आप लोग ज्वाइन करो। और हाँ, आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है, मनी प्रॉब्लम है तो भी आप कॉल व्हाट्सएप करो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको थोड़ा कम प्राइस में आपको ये कोर्स दे दूंगा टॉपर बैच, क्योंकि हम समझते हैं आप कहां से पैसे आते हैं, सब कुछ मैं समझता हूं, क्योंकि हम भी पहले क्या थे, मिडिल क्लास से थे, ठीक है। तो आप लोग जरूर कॉल या व्हाट्सएप करो इस नंबर पे 9918863196, ऐप को डाउनलोड करके टॉपर बैच को फटाफट से ज्वाइन कर लो, हमारे पास मैसेज या कॉल करो, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है, तो आप लोग चूको मत, क्योंकि अब इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी दोबारा क्लास टेंथ में नहीं आओगे, क्योंकि ये आपके पूरे जिंदगी का एक ही साल में क्लास टेंथ में आए हो, ठीक है। तो आप लोग कॉल या व्हाट्सएप जल्दी से करो, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं जो अम्ल है ना, अम्ल के भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण देखो, अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलीय होता है। जो अम्ल होता है ना बच्चों, अम्ल वो स्वाद में खट्टा होता है, कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, तथा जो जल होता है जल में विलीय होता है, पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। और अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये बहुत आसान है। अगर भौतिक गुण आपके बोर्ड एग्जाम में कहे अम्ल के 2 भौतिक गुण लिखो 2 नंबर में, तो लिख देना अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जल में विलीय होता है, और जो अम्ल होता है वो आपका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये अम्ल के 2 भौतिक गुण है, बोर्ड एग्जाम में छाप कर जरूर आना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला जो है अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में समझते हैं, ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। देखो अम्ल का रासायनिक गुण उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना भौतिक गुण है, ठीक है। तो रासायनिक गुण में हम लोग एक एक को समझेंगे। सबसे पहले देखो अम्ल जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके, जैसे अम्ल जो है, अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे जिंक, जड़न, जिंक, सोडियम, एन्ने, यानी कि सोडियम, ठीक है, जिंक, जड़न, एन्ने, सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है वो Mg है, तथा आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा है पहला रासायनिक गुण। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स, हम लोग ऐसे इसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जैसे हम एक अम्ल लेते हैं और एक धातु लेते हैं, ठीक है, एक धातु लेंगे, धातु जो है जैसे हमारा Fe भी एक सक्रिय धातु है, ठीक है, तो Fe हम लोग लेते हैं बच्चों, Fe, ठीक है, ध्यान रखना ये हमारा एग्जाम्पल है Fe, Fe में क्या करेंगे हम लोग, HCl लेंगे, क्योंकि 2HCl इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसे बैलेंस रखना है, ठीक है, बाद में बैलेंस आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहले से ही बैलेंस कर रहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना इसका 2 होता है ना, इसलिए हम लोग 2HCl ले लेते हैं। अब यहाँ जो है ना हमारा FeCl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
FeCl2 बन जाएगा और प्लस यहां हाइड्रोजन जो है ना H2 ये बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल गया, यही तो बता रहा है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। याद रखना ये हमारा फेरस है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया है, ये हमारा फेरस क्लोराइड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हमारा बन गया बच्चों अम्लों के साथ हमारा रासायनिक गुण, और पहला जो कि मैंने एफी के साथ रिएक्शन कराया, और बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट अब हमारा दूसरा नंबर रासायनिक गुण आता है कि धातु जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो जो हमारा अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड क्या होता है, जैसे हमारा CA है, CA मतलब धातु और इसके साथ O जोड़ दो, मतलब CaO, ये हो गया धातु ऑक्साइड। ZN हमारा है, ZN हमारा क्या है, धातु है, उसके साथ O जोड़ दो, ये हमारा हो गया धातु ऑक्साइड। बस यही तो है धातु ऑक्साइड, बहुत आसान है। देखो ध्यान से समझना, जैसे हमारा अम्ल जो है वह धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाएगा, ठीक है। अब कैसे अभिक्रिया करेगा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो हमारा धातु ऑक्साइड में ले लेता हूं CA से धातु और O हमारा ऑक्साइड जुड़ गया, ठीक है, CaO, और हम लेते हैं 2HCl, इसको बैलेंस रखना जरूरी है। तो हमारा 2HCl का मतलब क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये हमारा है क्या है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। मैं नाम लिख देता हूं थोड़ा सा, वैसे आप लोग नाम लिख लिया करो, इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जब अभिक्रिया करेगा ना बच्चों, अभिक्रिया करेगा तो यहां CA जो है CA और Cl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CaCl2, ठीक है, जो कि हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, और यहां जो हमारा है H2O, देखो H2 यहां है, एक वो यहां है, तो यानी कि प्लस H2, यानी कि वाटर जो है वो बाहर निकल आएगा। अब क्या कहा था, जब यह अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तो यह हमारा लवण है बच्चों और ये हमारा जल है, तो लवण तथा जल ही बनाना। जैसे हमारा ये जो है धातु ऑक्साइड के साथ जो अम्ल है वो अभिक्रिया करा, तो लवण तथा जल बना, ये हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां तक हम लोगों ने समझा जो अम्ल होता है उसका डिफिनेशन, अम्ल के एग्जाम्पल, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। अब हमारा आता है क्षार के बारे में, यानी कि वेश के बारे में। अब हम लोग समझते हैं क्षार यानी कि वेश के बारे में, और ध्यान से समझना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आना है, टॉपर बनना है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। देखो हमारा जो क्षार है ना, क्षार के बारे में, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या फिर कड़वा होता है। देखो अम्ल जो था वो खट्टा होता है और ये जो होता है ये कड़वा होता है, ठीक है, तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, हमारा क्षार कहलाता है। देखो मैं आपको समझाता हूं, क्षार आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये जो होता है स्वाद में कड़वा होता है और ये जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता था, अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता था, सेम उल्टा ये है, ठीक है, सेम उल्टा है, क्योंकि इसका जो होता है पीएच वैल्यू जो होती है, अभी मैं आपको आगे पीएच वैल्यू भी पढ़ाऊंगा, वो हमारा 7 से अधिक होता है, इसीलिए ये सब होता है। अगर 7 से कम होता तो वो हमारा अम्ल हो जाता, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इस क्षार के बारे में समझाता हूँ आरहेनियस के अनुसार, ठीक है, आरहेनियस के अनुसार समझते हैं। देखो आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार, हम लोग आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार समझते हैं क्या क्षार के बारे में। अभी तक हम लोगों ने आरहेनियस के बारे में अम्ल के समझा था, वैसे क्षार के, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे हम लोग OH- आयन कहते हैं, OH- आयन ध्यान रखना, देते हैं, ठीक है, देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो इसको क्षार कर लेना, क्षार कहलाता है, ठीक है। अगर जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH- आयन, तो वो याद रखना क्षार होता है, H+ आयन का मतलब अम्ल होता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है, दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर हमारा OH- आयन दे तो वो हमारा क्षार है, अगर हमारा प्लस H+ आयन दे तो वो हमारा अम्ल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं, हम लोग क्षार का एग्जांपल देख लेते हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्षार का एग्जांपल, ठीक है, क्षार का एग्जांपल देखते हैं। देखो OH- आयन है ना, तो इसमें OH आएगा, जैसे हमारा NaOH है, इसके लास्ट में OH आया ना, तो ये हमारा क्षार है। दूसरा हमारा है KOH, इसमें भी लास्ट में क्या आया, OH, तो हमारा क्षार है।
तीसरा है बच्चों NH4OH, NH4OH, इसके लास्ट में OH आया तो वो समझ लेना क्षार है आदि। बस तीन एग्जाम्पल बहुत है बच्चों, ठीक है। तो देखो लास्ट में इसमें OH आया, इसमें भी OH आया, इसमें भी OH आया, तो ये सब समझ जाना कि हमारा वेस है यानी कि क्षार है, ठीक है। तो ये हमारा क्षार का एग्जाम्पल्स हो गए, क्षार के दो हमारे परिभाषा हो गए आर्हेनियस के अनुसार और एक सिंपल सा डिफिनेशन जो कि अभी मैंने बताया, ठीक है। तो क्षार के बारे में समझ में आ गया, अब हम लोग देखते हैं क्षार के भौतिक गुण के बारे में, ठीक है। ये क्षार कर देना बच्चों, थोड़ा सा मिसफील्ड है। क्षार के भौतिक गुण, देखो क्षार का भौतिक गुण बहुत आसान होता है, ठीक है। ये क्षारक जो होते हैं, देखो क्षार को क्षारक भी कहा जाता है, ठीक है। क्षारक कह सकते हो, क्षार कह सकते हो, बेस तो है ही। देखो क्षार जो होता है जल में विलेय तथा स्वाद में कड़वा होता है। देखो अम्ल भी जल में विलेय था बच्चों और क्षार भी जल में विलेय है, लेकिन अम्ल खट्टा था और ये कड़वा है, ठीक है, ये कड़वा है, बस इतना समझना। और क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और क्षार स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना होता है। अगर आप क्षार को एक बार छूओगे ना, टच करोगे, तो वो क्या होगा, क्षार जो होता है वो साबुन जैसे चिकना होता है ना, वैसे हमारा क्षार जो होता है साबुन की तरह चिकना होता है, ठीक है। क्षार के बारे में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग समझने वाले हैं क्षार के रासायनिक गुण के बारे में, क्योंकि रासायनिक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितना ज्यादा भौतिक गुण और क्षार का डेफिनेशन होता है, उतना ही ज्यादा रासायनिक गुण होता है, क्योंकि कभी कभी आपसे रिएक्शन आ जाता ना कि क्षार का हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएं, ठीक है, तो कैसे कराओगे, तो लवण बन जाएगा ना, क्षार अम्ल की अभिक्रिया लवण, तो वैसे आपके इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो धातु के साथ जब क्षार अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है, उसको, ठीक है। एग्जांपल जो हमारा धातु जो है जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो धातु मैंने ले लिया जेडन जिंक है, और प्लस हमारा क्षार है 2NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब रिएक्शन करेगा ना बच्चों, ये जब रिएक्शन करेगा तो हमारा बनेगा Na2, जो हमारा Na2 यहां से चला जाएगा, Zn यहां से चला आएगा, और यहां O2 है ना, तो यहां O2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये हमारा है जिंक, जो कि आपको पता ही होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना, ये हमारा है सोडियम जिंकेट, और ये हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ठीक है। बगल में आप लिखना चाहते हो तो ये सॉलिड होता है, एस लिख देना बगल में, ब्रैकेट में एस ऐसे लिख देना, ये एक्वस एक्यू होता है, ऐसे एक्यू लिख सकते हो ब्रैकेट में एक्यू, ये भी हमारा एक्यू, और ये गैस होता है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों जो धातु का हमारा क्षार के साथ अभिक्रिया, ये पहला हमारा केमिकल रिएक्शन है क्षार का रासायनिक गुण में, ठीक है। दूसरा अब हम लोग देखते हैं बच्चों, दूसरा ध्यान से समझना, दूसरा देखो अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, के साथ अभिक्रिया, जब हमारा अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार का अभिक्रिया होता है, तो यहां देखो अगर क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अधातु CO जो है वो अधातु है, और O2 लगा दो यानी कि अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा, C मतलब अधातु, O2 मतलब ऑक्साइड, यानी कि हमारा अधात्विक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो लवण तथा जल बनेगा, क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसका समझते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है उसको, स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, CO2, ठीक है, CO2, फिर हम लोग क्षार लेते हैं, क्या लेते हैं, क्षार CaOH का होल ट्वाइस 2 लगाना, ठीक है, ये हमारा बुझा हुआ चूना है। अब देखो बनेगा क्या, सबसे पहले आपका लवण बनेगा, लवण का मतलब क्या है बच्चों, CaCO3 बनेगा, जैसे यहां से CA हो गया, CA कैल्शियम, और C एक और है ना, ये C, और O हमारा यहां 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि CaCO3 प्लस H2O आपका बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन, आपको रिएक्शन समझ में आया, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा बुझा हुआ चूना है, ठीक है, एंड ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं लिख देता हूं इसको ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाटर है, जल है, ठीक है। तो ये हमारे दो हो गए बच्चों क्षार के हमारे रासायनिक गुण। अब हम लोग देखते हैं, देखो हम लोगों ने समझा अम्ल के बारे में,
अम्ल का डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ऐसे हम लोगों ने क्षार के बारे में समझ लिया। अब हमारा आता है लवण, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लवण, लवण के बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखो लवण में क्या है, बहुत ज्यादा इजी भी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अम्ल क्षार समझ लिया तो लवण आसानी से समझ में आ ही जाएगा। देखो जो अम्ल होता है और क्षार होता है, अम्ल तथा क्षार जब आपस में अभिक्रिया करती हैं, जो अम्ल है और क्षार है आपस में अभिक्रिया करती हैं, तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा तथा जल मिलेगा, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और यही अभिक्रिया हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछे तो यही लिख देना कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना सा बात है। अब हम लोग समझते हैं रिएक्शन, यानी कि एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अम्ल लेंगे और क्षार, अम्ल हमारा है बच्चों HCl, ठीक है, और प्लस क्षार मैंने ले लिया NaOH, ये हमारा क्षार है, ये क्या है अम्ल है, और ये क्या है क्षार है। कहने का मतलब है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगी तो लवण बनाएगा तथा जल बनाएगा। अब लवण तथा जल कैसे बनेगा, लवण का मतलब है यहां से Na आ गया, यहां से Cl आ गया, यानी कि NaCl हमारा क्या है, ये लवण है, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा। देखो ये हमारा H2O, जो हमारा यहां से H एंड H और O, ठीक है, H2O, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब पानी। जैसे जब नमक बनता है ना तो उसके साथ वाटर भी बनता है ना, तो वही चीज है, ये हमारा नमक है, लवण है। तो यहां अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करी तो लवण तथा जल बना है। ठीक है, तो बस लवण के बारे में इतना ही था। लवण के कोई भौतिक गुण, रासायनिक गुण नहीं होते। तो अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, हम लोगों ने समझा बच्चों अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, ये तीनों चीजें के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो ये अम्ल, क्षार एवं लवण में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम लोग और भी अभी बहुत सारे इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं, लेकिन अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अगर आप लोगों को इसका पूरा PDF, नोट्स, वीडियो सब कुछ चाहिए तो टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, तुरंत आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन करो। आप लोग कॉन्टैक्ट पहले कर लेना 9918863196, इस नंबर पे फटाफट से कांटेक्ट कर लो। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।